वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम बनाएंगे रवा पॉमफ्रेट फ्राई और धनिया की चटनी। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 6 पॉमफ्रेट के पीसेस, 1 टेबलस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें 4 टेबलस्पून चावल का आटा, 4 टेबलस्पून रवा यानी कि सूजी, नमक स्वाद अनुसार, 2 लेमन के जूसेस। और धनिया की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे 1 बोल धनिया, 2 ग्रीन चिलीज और 5 गार्लिक। तो चलिए बनाते हैं पॉमफ्रेट फ्राई। तो सबसे पहले हम इस पॉमफ्रेट को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम देंगे 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून ये लेमन जूसेस, और बाकी जो जूस है ये हम धनिया की चटनी में यूज करेंगे। इसको साइड कर देते हैं। ये टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा रख देते हैं। नमक स्वाद अनुसार दे देंगे। अब हम इसको मिला लेंगे। मिला के इसको 5 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। ये हमारे फिश का जो पीसेस है मैंने इसको मसालों के साथ मिला लिया है और अब हम इसे 5 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट जो इसका मसाला है उसको रेडी कर लेते हैं। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट में ये हल्दी, गरम मसाला और चिल्ली पाउडर को मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा, जरा सा ज्यादा नहीं, नमक मिला लेते हैं। इसको थोड़ा सा इसमें सरसों तेल भी देंगे, थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब करीब। इसका एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो मसाला हमारा रेडी है। अब हम एक प्लेट में ये सूजी और ये चावल का आटा को एक साथ मिलाएंगे और इसमें जरा सा, थोड़ा सा नमक, ज्यादा नहीं, इतना नमक डाल देंगे और इसको ये फोर्क के सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। आप इस सूजी को और चावल के आटे को नमक के साथ मिला के इस तरह से फ्लैट कर लीजिए, एक लेयर बना लीजिए, ठीक है, प्लेट में। तो चलिए 5 मिनट हो गया है। अब हम इस फिश को इस मसाले के साथ मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। चम्मच में मसाला इस तरह से ले लीजिए आप और फिश के पीस को इस तरह से चम्मच के सहायता से मसाले को लगाइए। इस तरह से तमाम सारे फिश को मसाले के साथ लगाना पड़ेगा और इसको 15 मिनट के लिए हम मैरिनेट करेंगे। देखिए हमारा फिश जो है मसाले के साथ मैंने मिला दिया है। अब इसको 15 मिनट्स तक मैरिनेट करेंगे। चलिए तब तक हम ये धनिया का चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। ये धनिया के पत्ते को हम इस छोटे से ब्लेंडिंग जार में डाल देते हैं। इसमें 2 मिर्ची और 5 गार्लिक देके इसको हम ग्राइंड करेंगे, पूरा महीन एक पेस्ट बनाएंगे। ये रहा हमारा धनिया का प्यूरी। इसमें इसको मैंने पीसने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने पानी भी मिलाया है, ठीक है। अब हम इसे कुछ चीजों के साथ मिक्स करेंगे, जैसे कि नमक स्वाद अनुसार, ये जो लेमन का जो जूस था 1 टीस्पून के करीब करीब इसको डाल दिया और 1 टीस्पून सरसों का तेल। इसको अच्छे से मिला के साइड में रख दीजिए। ये रहा आपका धनिया का चटनी। हमारा फिश जो है 15 मिनट से मैरिनेट हो चुका है मसाले के साथ। तो अब हम इस फिश को इस सूजी के साथ अच्छे से कवर करके फिर फ्राई करेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको कवर करना है। इसको इस तरह से लेके ऐसे प्रेस कीजिए ये सूजी के साथ। देखिए ऐसा एक लेयर हो जाएगा और उल्टे उलट के
फिर इस तरह से आप प्रेस कीजिए, दो बार इसको करते हैं। लेयर थोड़ा मोटा होने से क्या होगा ना, ये क्रिस्पी बनेगा। इस तरह से हमें सारे फिश को कवर करना है। चलिए मैं आपको और एक दिखा देती हूँ। ये मैंने फिश लिया, ऐसे इसको प्रेस किया, सूजी में पलट दिया, फिर से प्रेस किया। अब थोड़ा सा डस्टिंग कर देते हैं, सूजी ऊपर से डाल दिया, ऐसे थोड़ा सा प्रेस किया, छाड़ा इसको, फिर से उल्टा सेम प्रोसेस दूसरे साइड में भी, ऐसे सूजी डाल के और अच्छे से डस्टिंग करके झाड़ के इस तरह से रख देते हैं। इस तरह से सारे फिश को करेंगे। तो चलिए अब हम ये फिश को फ्राई करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर दिए। जैसे ये पैन गरम होता है, इसमें हम रिफाइन ऑयल डालेंगे फ्राई करने के लिए। पैन गरम हो चुका है, इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में तेल डालते हैं। तेल थोड़ा गरम होने देते हैं, फिर हम ये फिश को डालेंगे। तेल हमारी गरम हो चुकी है, तो चलिए ये फिश को फ्राई करते हैं। धीरे से ऐसे तेल में छोड़ दीजिए, ये शैलो फ्राई होगा। ठीक है, तो मैं एक बैच में तीन तीन फिश फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा हिला लीजिए और इसको बिल्कुल क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए। फ्राई करते टाइम गैस थोड़ा धीमा रखना पड़ेगा, वरना ये जल जाएगी। अब हम इसे पलट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हमें पलट के दूसरे साइड भी फ्राई करना है। बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलाते रहिए, ताकि तेल जो है पूरे फिश में अच्छे से जाए और पूरा फिश जो है अच्छे से फ्राई हो। अब हम इसे पलट देते हैं और ये वाला जो साइड है, 2 मिनट तक फिर से फ्राई करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ये फिश बिल्कुल फ्राई हो गया है। हम इसे फ्राई होने में 10 मिनट तक का टाइम लगा है धीमे आंच में। अब हम इसे प्लेट में करेंगे। बिल्कुल इसी प्रोसेस से ये तीनों फिश हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये रहा आज का हमारा रेसिपी, पॉम्फ्रेट फ्राई विद धनिया चटनी। आप इसे अपने घर में जरूर बनाएं। अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।